में भरा पानी, आम जनमानस परेशान। रेलवे के बने अंडरब्रिज में पानी भरने से ग्रामीणों व राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक दर्जन से अधिक गांवों को संपर्क में जोड़ने वाला यह मार्ग पुण्यता हुआ ठप हो गया है। गांव वालों को आने जाने में पानी से निकल कर जाना पड़ता है। ये रेलवे अंडरब्रिज मोदहा के सिजनौडा व करहिया गाँव के गेट नंबर 13-14 का है, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ग्रामीणों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, यहां तो हमेशा इसी तरह जलभराव रहता है, जिससे यहां के आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पूर्णतः टूट जाता है। पूरा मामला हमीरपुर के मोदहा तहसील के ग्राम करहिया और सिजनौडा का है, जहां रेलवे के बने अंडरब्रिज से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठेकेदारों और रेलवे विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारी अभी भी चैन की नींद सोए हुए हैं। मेरा नाम द्रोण कुमार है, मैं हमीरपुर जिले के गुरदाहा ग्राम से हूँ। यहाँ देखिए, कई हफ्ते से नदी भरी हुई है, श्याम नाला उफान पर है और वहाँ अंडरब्रिज पुलिया नंबर तेरह में पानी भरा हुआ है, जिससे गांव विकास से पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई क्रियाशीलता नहीं हो रही है, ना उन्नति हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को अगर प्रसव पीड़ा हो रही है तो एम्बुलेंस उस तरफ होती है और लोग यहाँ से पकड़ के 4-5 लोग उस तरफ पार करते हैं। बहुत ही दिक्कत है, अगर पानी नहीं पुलिया नंबर 13 को लिखता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक हफ्ते से पानी भी नहीं उलीचा गया है, जिससे गांव वालों को काफ़ी दिक्कत है। अगर पानी नहीं उलीचा गया तो हो सकता है कि हम ट्रैक जाम कर दें। हाँ, हम गुरदाहा के हैं, मेरा नाम अखिलेश है और इधर श्याम नाला है और इधर आते हैं तो ये पुल पड़ जाता है, जिसमें भी कोई समस्या आ जाए तो या क्या कोई बीमार हो जाए या बच्चे अच्छे हों किसी के, तो ना इधर को जा सकते हैं ना उधर को जा सकते हैं, दोनों तरफ।